तो बिहार के जिला स्तरीय वैकेंसी को लेकर कुछ अपडेट आए हैं। आपको सीधे आ जाना है पटना NIC.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको इसकी जानकारी मिल सकेगी। पोस्ट ज़्यादा नहीं है, मात्र 40 से 44 सीटों की वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी पे आप सभी छात्र का हक है जो कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं या किसी भी ज़िले से आते हैं बिहार के। तो आप इसको आवेदन कहां से और कैसे करेंगे, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी क्या मिलेगी, योग्यताएं क्या हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। देखिए, गूगल पे आइएगा आप, या तो keyeducation.in करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप keyeducation.in सर्च कीजिएगा, आपके सामने जो है ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही keyeducation.in का वेबसाइट खुलेगा, आपके सामने जो है यहाँ पर देखिएगा तो बिहार से रिलेटेड बिहार जॉब अपडेट भी आपको दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो इस पे आके आप जो है बिहार जॉब्स में आके पटना जिला से संबंधित जो है ये वैकेंसीज का अपडेट है यहाँ पे, इसको क्लिक करके डाउनलोड करके इसका सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। आप सीधे तौर पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है दोस्तों। अब आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है इसके वैकेंसीज को और इसका PDF डाउनलोड कर लेना है, और फॉर्म को कैसे आवेदन करना है इसमें आपको सारी जानकारी अप टू डेट करके बताई जा रही है। देखिए, इसमें जो पोस्ट हैं ये वेरियस पोस्ट हैं, और इस बात का ध्यान रखिएगा कौन कौन से पदों की वैकेंसीज निकाल गई है, ये इसके बारे में जानकारी है। जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से अपडेट किया गया है, विज्ञप्ति संख्या नोट कर लीजिएगा 4/2024 के लिए है, जो कि यहाँ पे जिला स्तरीय जो है आपका वैकेंसी है, जिसको वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में जानकारी भी दी गई है। नीचे आते हैं दोस्तों, जो कि संग्रहालय पटना से इसका अपडेट दिया गया है, कौन कौन से वो पोस्ट है आइए देखते हैं, जो कि मैंने आपको कहा कि वेरियस पोस्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे चौकीदार का पोस्ट है, जो कि यहाँ पे सैलरी इनकी जो है 7,944 रुपये दी जाएगी, प्लस आपको जो है यहाँ पर अलाउंस मिलेगा, आने जाने का खर्च भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चार तरह की वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों की संख्या है। एक पोस्ट है दोस्तों आया, यानी कि केवल महिलाओं के लिए पोस्ट है यहाँ पे, जो कि इनके लिए भी सैलरी सेम है। और कैटेगरी वाइज देखिएगा तो 24 सीट यहाँ पे इनको दिया गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब जो एज लिमिटेशन की बात की गई है, ये 20 से 45 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं चौकीदार के लिए, और इसको जनरली मेल ही छात्र आवेदन करते हैं। और आया के लिए जो है महिला छात्र के लिए लिख दिया गया है कि सिर्फ महिला ही आवेदन करेंगी, 20 से 45 साल इनका भी उम्र होना चाहिए। इस दोनों ही पोस्ट के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि आप कम से कम जो है 8वीं पास हो 5वीं पास हो, एटलीस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको, मतलब चीज़ें दिखाई दे, हाँ जो भी पढ़ाई दे, मतलब पढ़ सके आप लोग वहाँ पे। और यहाँ पे 10वीं कक्षा के छात्र जो है जनरली चौकीदार के लिए आवेदन भी करते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आपको बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना है, दोनों का ये जॉब प्रोफाइल बताया गया है। तो ये वैकेंसी है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर का है, ये अंशकालिक डॉक्टर है, यानी कि इनको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही इनको आना है, लेकिन इनकी सैलरी यहाँ पर रहेगी 9,930 रुपये। MBBS इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और ये रेफरल पर ही यहाँ पर जो है आएंगे। यहाँ पे 4 सीटें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नर्स का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर 4 सीटों का दिया गया है, जो कि कैटेगरी वाइज है, और 45 साल तक उम्र सीमा इनका होना चाहिए। 11,916 रुपये इनको सैलरी मिलेगी नर्स को। अब ये कहिए कि सर डॉक्टर से ज़्यादा नर्स को यहाँ पे सैलरी क्यों दी जा रही है, तो कारण है उसके पीछे कि ये अंशकालिक हैं। अंशकालिक यानी कि जब ज़रूरत पड़ने पे ही इनको आना है, इसलिए इनको बेसिक सैलरी इतनी दी जा रही है। लेकिन 11,900 यहाँ पर नर्स की सैलरी है, जहाँ पर इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सरकार या भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा इनके पास इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इंटरमीडिएट, ये ध्यान रखिएगा, BSc इन इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, नर्सिंग में इंटरमीडिएट होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा के कम से कम 1 साल का आपके पास कार्य अनुभव भी होना चाहिए, ये जानकारी है। तो वैसे छात्रों को आप लोगों से मैं कहूँगा शेयर करने के लिए, जो कि आपके कॉन्टेक्ट में है। सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर का यहाँ पोस्ट है, 4 तरह की वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं। 18,536 रुपये जो है सैलरी दी गई है, 22 से 45 साल तक का उम्र सीमा रखा गया। आप सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान या अन्य किसी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ आप विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी आपको दिखाना होगा। तो आपके पास सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी में आपका जो है डिग्री होना चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक हो, जैसे आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, किसी में होना चाहिए।
और 1 साल का आपको कार्य अनुभव भी यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल जो है किशोर न्याय प्रणाली के साथ साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी लिखने और पढ़ने बोलने की क्षमता भी आपकी जांची जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट है मैनेजर यानी कि कोऑर्डिनेटर का, जहाँ पे 23,000 की सैलरी होगी इनकी। 4 पोस्ट है इनका, कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं। 25 से 45 साल तक इनका उम्र सीमा है। अब इनको सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए। तो इनके अलावा या फिर किसी भी टॉपिक पे आपका जो है ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या प्रतिष्ठान से संस्था से बाल संरक्षण, काउंसलिंग या बाल विकास में डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। यानी कि इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है ये डिग्री तो ये बोला जा रहा होगा तो भी आपको यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। 2 वर्षों का अनुभव यहाँ पर मांगा जा रहा है इन सभी क्षेत्रों में। और जो भी बच्चे हैं बाल देख रेख के लिए संस्थानों में अथवा प्री स्कूल में, कार्य अनुभव का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें जनरली महिला छात्रों को भी प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। एमएस ऑफिस पर कार्य करने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी लिखने बोलने आना चाहिए, इसकी क्षमता यहाँ पे दी गई है। 23,170 रुपये की सैलरी है यहाँ पे। अब देखिएगा इन सब के लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, अब आवेदन कैसे करना है। उम्मीदवार को आवेदन पत्र यानी कि जो संलग्न किया गया है इसके साथ, उसके साथ अपना रिज्यूमे यानी बायोडाटा, फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटो, सभी शैक्षणिक योग्यता, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन जिस भी कैटेगरी जिस पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है उसके प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपना जाति प्रमाण पत्र अगर उसके लाभुक हैं तो, आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप बिहार से हैं तो, जिस भी जिला से हैं उसका स्व अभिप्राण यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके उसका सारा फोटोकॉपी आपको डाक के द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई द्वितीय तल्ला विकास भवन गांधी मैदान पटना इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, यही एड्रेस पे आपको क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे को अटैच करके लिफाफे में डाल के उसको परपत्र को भर के उस वेबसाइट पे मतलब इस कार्यालय पे भेज देना है। इसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे दी गई है जहाँ से मैंने आपको दिखाया है। 20 दिनों के अंदर कार्यालय अवधि के स्वीकार किया जाएगा और अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में देखते हुए अगले दिन तक स्वीकार होंगे। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप लास्ट डेट जो कहिए तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वेबसाइट पे दिया गया है। देखिए लास्ट डेट है आपका 18 सितंबर तक, ये 30 अगस्त से शुरू किया गया है यहाँ पे, तो आप 18 सितंबर से पहले जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदक संबंधित डाक से जो है आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में जो भी आपका पोस्ट है उसका नाम लिखिएगा और पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र उस पर लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा और अपना एड्रेस लिख दीजिएगा पीछे में। पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दे होगा। 1 अगस्त 2024 आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन जो है उनकी योग्यता, कार्य अनुभव और इंटरव्यू पे डिपेंडेंट है, तो चयन की समिति ही उसको तय करेगी जो आपका इंटरव्यू लेगी। साक्षरता की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रमाण पत्रों की मूल प्रति खुद से अटैच करके लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट में ही है, लेकिन इसके लिए आप लोग जो है वो मतलब दावा नहीं कर सकते कि हमें सरकारी नौकरी के लिए इसको बुलाया गया है। और ये इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे यथावत दी गई है। और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र गलत तथा प्रमाण पत्र देने पर नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ये इनके अधीन रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नीचे आइए, इसका ये फॉर्म दिया गया है दोस्तों, जहाँ पे आपको ये विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में संविदा के आधार पर नियोजन लिया जा रहा है, तो ये ही आपको वहाँ पर लिफाफे पर डालना भी है, लिखना भी है। कार्यालय द्वारा भेजा गया अनुक्रमांक आपको यहाँ पे दिया जाएगा, वहाँ पे तिथि बताई जाएगी, ये आपको नहीं करना है। पद का नाम, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। फोटो एक अपना नया डालिएगा, पति का नाम या पिता का नाम लिखिएगा, माता का और आपका जेंडर क्या है, तिथि क्या है आपकी कैलकुलेट करके यहाँ पे वर्ष और माह बता दीजिएगा, कितने महीने कितने दिन के आप हो गए हैं। कैटेगरी कौन सी है, सामान्य वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति जनजाति हैं, या ना जो भी आपका कैटेगरी है। यहाँ पे आपका ग्राम यानी जिस शहर में रहते हैं या ग्राम में रहते हैं उसकी जानकारी है। पोस्ट आपको थाना, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डाल देना है और पत्राचार का पता अगर सेम है तो वही उतार दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना कोई अलग है तो अलग डाल दीजिएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक का
सर्टिफिकेट है ना, कौन से विषय से हैं पास, किस साल पास हैं, पूर्णांक कितना है आपका और कितना आपका आया है मार्क्स, परसेंटेज क्या बना है, ये भी इंटरमीडिएट का भी, स्नातक का भी, नर्सिंग डिप्लोमा के लिए जो नर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर के लिए आवेदन करेंगे, डीसीए जो कि आपको यहाँ पे मांगा गया है ना, जो कि कंप्यूटर का एमएस ऑफिस का नॉलेज मांगा गया, तो वो उसका सर्टिफिकेट है तो डल जलिएगा, और अन्य जो भी आपकी जानकारियाँ हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं इसके अलावा, है ना। और कंप्यूटर के क्षेत्र में एमएस ऑफिस पर कार्य करने की क्षमता है या नहीं, तो हाँ लिख दीजिएगा यहाँ पर, अगर है तो, नहीं तो नहीं कीजिएगा। संबंधित क्षेत्र में जो आपका एक्सपीरियंस है वो कितने साल कितने महीने का है, और यहाँ पे अपना नाम लिखकर जो है ना, क्या नाम है आपका, है ना, वो डाल के अपना जगह का नाम दीजिएगा, आज डेट डाल दीजिएगा, और आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पे कर लीजिएगा, और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाएंगे इन सभी का फ़ोटो कॉपी पर अटेस्ट करके आपको भेज देना है। तो ये आवेदन करने की प्रक्रिया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो आवेदन आपको इस तरीके से करना है, और इसमें जो दी गई है जानकारी है वो हमने आप तक साझा किया है दोस्तों, और कोई भी आपका इसको लेकर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हमने आप तक यहाँ पे साझा किया है। जय हिंद।